माय चैनल रेट्स कुकिंग। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी सीताफल का सीजन चल रहा है, तो आज मैं आपको सीताफल की बासुंदी या उसको रबड़ी भी कह सकते हैं वो बनाना बता रही हूँ। आप इसको अभी नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है और दूध को हम गैस पे रख देंगे और इसको एक उबाल आने तक हम तेज गैस रखेंगे और जब एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे चिपके ना और जो मलाई होती है वो भी एकदम से ऊपर इकट्ठी ना हो जाए। और आपको ये इसके लिए भारी तले का बर्तन लेना है। आप कढ़ाई लें या जो भी बर्तन लें वो भारी तले का लें और इसको आप लगातार चलाते रहें। इसको हमको दूध को आधे से भी कम कर देना है चलाते हुए। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम सीताफल के पल्प निकालते हैं। इसके लिए हमने 3 सीताफल लिए हैं। 1 लीटर दूध में हम 3 सीताफल लेंगे। सीताफल पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हमने एक छन्नी ले ली, स्ट्रेनर ले लिया है। अब क्या करेंगे हम सीताफल का जो होता है वो ऐसे तोड़कर और इसके अंदर से हम स्पून की हेल्प से ये सारा सीड्स को इसमें कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सारा निकाल लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, 5 मिनट में ये सब निकल जाएगा। ये बहुत इजी तरीका है इसको निकालने का। इस तरह से हम सारे सीताफल के सीड्स को निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम पूरा निकल गया है। ये सारे हमने सीड्स निकाल लिए हैं। अब हम एक फोक लेंगे और उससे हम इसको ऐसे दबाते हुए हिलाते जाएंगे ताकि जो इसका पल्प है वो नीचे निकलता जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये निकल रहा है। इस तरह हम इसको दबा दबा कर निकालेंगे फोक से। आप स्पून भी ले सकते हैं। ऐसे आप करते जाएंगे तो 5 मिनट के अंदर ये सारे सीड्स अलग हो जाएंगे और आपका सारा पल्प अलग निकल जाएगा। ये देखिए निकल रहा है पूरा पल्प अच्छे से। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल जाता है। ये देखिए सीड्स अलग होते जा रहे हैं इसके अंदर से। यहाँ पर जो हमको सीताफल है वो पके हुए ही लेने हैं। ये देखिए कितने आसानी से इसके बीज अलग होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए बीज अलग हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन बीज को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे, सारे बीज को अलग से। देखिए इस तरह से हम सारे बीज को निकाल लेंगे इसके अंदर से। ये देखिए सारे बीज अलग हो चुके हैं और जब ये ऊपर का जो पल्प है वो भी इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे ताकि हम जब ये खाएंगे तो इसमें ये थोड़ा सा पल्प आएगा, बहुत टेस्टी लगता है। ये सारा निकल गया है। ये देखिए अब इसको हम साइड में कर लेंगे और हम दूध को चेक करते हैं कि दूध हमारा कितना हुआ है। ये देखिए दूध हमारा
आधा हो गया लगभग। अब इसमें हम केसर डाल रहे हैं, आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे इलायची पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा लगभग हो चुका है, आप देख सकते हैं ये ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, आप चाहे तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। आप व्रत में अगर ये नहीं खाते हैं कंडेंस्ड मिल्क तो आप इसकी जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाते हैं उसके हिसाब से। मैं 2 चम्मच ये डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, ये ऑप्शनल होता है, आप इसकी जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये हमारा हो चुका है, ये दूध पूरा रिड्यूस। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए दूध हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें जो हमने सीताफल का पल्प निकाला था वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। ये जो रबड़ी है या जो बसुंदी है ये ठंडी ही अच्छी लगती है। ये मिक्स हो चुका है, अब इसको हम फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से ठंडी हो जाएगी। ये ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। ठंडी करने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए ये हमारी सीताफल की बसुंदी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसको खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको इसी तरह नई नई रेसिपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।